मैं विशाल रामेश्वर अग्रवाल अठवाड़ा तालुका रावेर जिला जलगांव का एक किसान हूँ। मैंने 1999 में बीई मैकेनिकल पास आउट हुआ मैं। उसके बाद मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स में जॉब किया। 2009-2010 में मेरे फादर को एग्रीकल्चर में हेल्प करने की शुरुआत की। पुरखों से हमारा खेती का व्यवसाय होने के कारण हम पुराने पद्धति से सब पहले खेती करते थे। अभी नई टेक्निक आने के कारण 2009 से मेरे इंजीनियर बेटे विशाल अग्रवाल को मैंने पूरा खेती का हैंडओवर कर दिया और वो पूरे नए टेक्निक से 2009 से अपना खेती का व्यवसाय कर रहा है। 2011 में मैंने फर्स्ट टाइम 8000 केले के पौधे लगाए जैन टिश्यू कल्चर। तो 2 साल बाद फिर मैंने 100% टिश्यू कल्चर फार्मिंग पे हम डाइवर्ट हो गए। जैसे मैं जैन इरिगेशन के जो लेक्चर्स होते थे, जो नई टेक्निक थी केले के बारे में या पपीते के बारे में, वो मैं अडॉप्ट करते गया। जैसे कि डबल लेटरल यूज़ करना शुरू की। मेरा जो प्रोडक्शन 100 टन पर हेक्टर पर पहुंचने की वजह से क्या हुआ कि मेरे जो सारे सराउंडिंग के फार्मर्स थे, मेरे खुद के विलेज के और जो नियर बाय विलेज के भी जो फार्मर्स थे, उनको भी फार्मिंग में एक मिराकल दिखा कि भाई जैन इरिगेशन की जो टेक्निक है उसकी वजह से कोई बंदा क्या मिराकल कर सकता है। 2018 से फिर केले के एक्सपोर्ट में मेरा जो यंगर ब्रदर है वरुण, वो एक्सपोर्ट में आ गया और मैं फार्मिंग में और डेवलप करना शुरू किया। आज के दौर में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि फार्मिंग के लिए जो लेबर की जो अवेलेबिलिटी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। तो इसमें जैन इरिगेशन ने जो रेस बेड का प्लांटेशन दिया और जो डबल लेटरल का जो टेक्निक दी है, अब रेस बेड पे जब हमने प्लांटेशन किया तो हमने उसमें प्लास्टिक का मल्च यूज़ किया। मैं आज की डेट में हर साल 50,000 नए प्लांट का प्लांटेशन करता हूँ, जो कि पूरी तरह से जैन टिश्यू कल्चर प्लांटेशन है। और अराउंड 35,000 प्लांट्स जो है वो रटून प्लांट्स होते हैं, जो उसी मदर क्रॉप से रटून क्रॉप लिया जाता है। तो प्रपाया का भी जो सारा प्लांटेशन मटेरियल है वो हम जैन टिश्यू कल्चर का यूज़ कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं फार्मिंग में आया और फार्मिंग की वजह से जो है आज इतने सारे जो लोग हैं मेरे टाउन के, तो है आजू बाजू के भी विलेजेस के सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और सभी का जो है उसमें लाइफ स्टैंडर्ड जो है बढ़ गया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फादर एंड ब्रदर, दे आर कंटिन्यूसली इन सपोर्ट विथ मी विथ माई ऑल टीम, वर्किंग टीम, कि वो मुझे कभी भी मेरे लिए 24 आवर्स मेरे लिए खड़ी है और उसके बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था।